हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय चैनल ज्योग्राफी एग्ज़ाम गुरु। आप सभी का इस चैनल पे स्वागत है। देखिए, मैं आप लोग को बिहार जो हेडमास्टर प्राइमरी स्कूल का हेडमास्टर का जो है निकला है उसका प्रिपरेशन कराती हूँ। उसका एग्ज़ाम जैसे कि आपको पता ही होगा नेक्स्ट मंथ में है, तो उसके लिए करेंट अफेयर का जो सीरीज़ है वो जो पार्ट टू है वो मैं करवा दी हूँ करेंट अफेयर का। ये पार्ट थर्ड सीरीज़ है, उसी का पार्ट थर्ड है। तो इस सीरीज़ को अगर देख लीजिएगा तो वो कंप्लीट हो जाएगा आपका। तो ये जो है पूरे साल का करेंट अफेयर को, पूरे साल का जो इम्पोर्टेंस है, फैक्ट है, उसको मैं आपको करवा रही हूँ। क्योंकि आप जानते हैं कि बहुत बार जो है एक साल पहले का पूछ लेता है और फिर रिसेंटली का कभी पूछता है, कभी आपका पहले का लेता है। तो आपको पहले वाले का एंड रिसेंटली 2022 का ऑब्वियसली लेके चलना है। तो आप 2021 एंड 22 ये तीनों ईयर का अगर कर लेते हैं वन लाइनर तो आपका जो है काफ़ी हद तक कंप्लीट हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आपका समय बर्बाद नहीं करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले मेरा आप सभी से विनय निवेदन यही है रहेगा कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार इसलिए सब्सक्राइब कर लें क्योंकि मैं आप लोगों को लाइव भी करवाती हूँ। अगर आप सब्सक्राइब करके रहेंगे तो आप तक नोटिफिकेशन पहुँच जाएगा और आप एक साथ जो है लाइव क्लासेस में मेरे साथ ज्वाइन हो पाइएगा। और जब आप सभी ज्वाइन होते हैं लाइव क्लासेस में तो बहुत ही अच्छा लगता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोल रही हूँ आप लोगों को, तो बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद करते हुए। एंड अगर PDF आप लोग को चाहिए तो मेरे चैनल का टेलीग्राम चैनल पे आप जुड़ जाइए, वहाँ पे मैंने बहुत सारे PDF डाल के रखे हैं। और अगर PDF चाहिए तो आप कमेंट में जो है मुझे जिस भी वीडियो का मैं बनाती हूँ आपका PDF मैं आपको दे दूँगी वहाँ पे। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। किस बैंक के MD और CEO संदीप बख्शी को बिजनेस स्टैंडर्ड्स बैंकर ऑफ द ईयर 2020-21 चुना गया? तो 2020-21 जो है ICICI बैंक, ठीक है, ICICI बैंक को चुना गया। किस बैंक ने 5 ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए NSE अकादमी के साथ समझौता किया है? भारतीय स्टेट बैंक ने NSE अकादमी के साथ समझौता किया है। टेरापे ने कैशलेस लेनदेन को बढ़ावा देने के लिए हाल में किसके साथ साझेदारी की है? NPCI इंटरनेशनल के साथ। किस सार्वजनिक क्षेत्र और पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड PAL ने भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NPCI के साथ साझेदारी में सहयोग सह ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो पंजाब नेशनल बैंक ने किया है। भारतीय सेना के लिए कॉन्कर्स एंटी टैंक मिसाइलों के निर्माण और आपूर्ति के लिए किस रक्षा PSU ने 3131.82 करोड़ रुपए के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत डायनेमिक्स लिमिटेड, किसने किए हैं? भारत डायनेमिक लिमिटेड्स। लंदन स्थित ब्रांड फाइनेंस के अनुसार भारतीय जीवन बीमा निगम को विश्व स्तर पर डैश सबसे मूल्यवान बीमा ब्रांड के रूप में स्थान दिया गया है। तो इसका हो जाएगा कितना, दसवां। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए कितने करोड़ रुपए से अधिक की राशि प्रदान की गई है? तो 30,000 होगा इसका, क्या हो जाएगा, 30,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र शासित प्रदेशों किस देश को एम्स बैंक ने 500 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण सहायता प्रदान की है? तो इसका हो जाएगा श्रीलंका, क्या होगा, श्रीलंका, ठीक है। तेलुगु लघु फिल्म स्ट्रीट स्टूडेंट्स ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जिसको NHRC की लघु फिल्म पुरस्कार प्रतियोगिता में कितने लाख रुपए का पुरस्कार दिया है? तो 2,00,000। किस वैश्विक IT सेवा और प्रौद्योगिक समाधान कंपनी ने माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड फॉर रिटेल के लॉन्च के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ भागीदारी की है? सोनाटा सॉफ्टवेयर, इसका क्या होगा, सोनाटा सॉफ्टवेयर। ग्राहकों को साइबर बीमा
समाधान प्रदान करने के लिए किस भुगतान बैंक ने ICICI लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस के साथ भागीदारी की है? तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक है। कौन है? एयरटेल पेमेंट्स बैंक। हाल ही में जारी आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2021 में किसने भारत को रिकॉर्ड 4.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण दिया? एशियाई विकास बैंक। किसे पीछे छोड़कर गौतम अडानी एक बार फिर एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं? तो देखिए, जो मुकेश अंबानी, ठीक है, उनको पीछे छोड़कर जो गौतम अडानी हैं एक बार फिर से एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति बन गए। भारतीय रिजर्व बैंक RBI द्वारा 14 से 18 फरवरी 2022 तक मनाए जाने वाले वित्तीय साक्षरता सप्ताह 2022 की थीम क्या है? तो गो डिजिटल गो सिक्योर, गो डिजिटल गो सिक्योर। 2020 और 21 में PM केयर्स फंड के तहत कुल कितनी राशि थी? 10,990.17 करोड़। चीन और किस देश ने हाल ही में 60 बिलियन डॉलर के CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? तो ये हो जाएगा चीन और पाकिस्तान देश ने हाल में 60 बिलियन डॉलर के CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं करते हुए कितने प्रतिशत पर बरकरार रखने की घोषणा की है? तो 4% हो जाएगा इसका, कितना होगा? 4%। किस संगठन ने शा धेथी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? शेवी ने किया है। नेक्स्ट है, लीप किसका नया स्टार्टअप प्रोग्राम है? फ्लिपकार्ट का। लीप जो है फ्लिपकार्ट का स्टार्टअप प्रोग्राम है। किस कंपनी के CEO अल्बर्ट बोरला को COVID-19 वैक्सीन के लिए प्रतिष्ठित उत्पत्ति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? तो ये फाइजर इंक है। किस फाइजर इंक को सम्मानित किया गया है? किस कंपनी के अनुसार उनका नया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य तक विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर होगा? तो इसका मेटा हो जाएगा। क्या होगा? मेटा कंपनी के अनुसार जो है बोल रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सुपर कंप्यूटर 2022 के मध्य विश्व में सबसे तेज AI सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। नेक्स्ट है खेल से, हाल ही में किसने भारतीय रेलवे किशनगंज दिल्ली में अत्याधुनिक कुश्ती अकादमी स्थापित करने की मंजूरी दी है? तो ये कोई और नहीं, हमारे रेल मंत्रालय ने दिया है। किसने दिया है? रेल मंत्रालय ने। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने हाल ही में जनवरी महीने के लिए किस खिलाड़ी को प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड देने की घोषणा की है? किंगन पीटरसन। किसको? किंगन पीटरसन को प्लेयर ऑफ द मंथ। ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में डैनियल मेदवेदेव को हराकर गफिया नडाल ने हाल ही में अपना कौन सा ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है? 21वां ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है। कौन सा? 21वां। नेक्स्ट है, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब किसने जीत लिया? एशले बार्टी। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 वीमेन का खिताब एशले बार्टी ने जीता है। उस खिलाड़ी का नाम बताइए जिसे प्रतिष्ठित 2022 लॉरियंस वर्ल्ड ब्रेकर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो ये नीरज चोपड़ा हैं। नीरज चोपड़ा को जो है 2022 लॉरियन वर्ल्ड ब्रेकर्स ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, एसले जाइल्स ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वे किस क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक थे? तो इंग्लैंड के थे। एसले जाइल्स जो है वो इंग्लैंड के थे और इन्होंने हाल में क्रिकेट टीम के प्रबंध निदेशक पद से इस्तीफा दे दिया है। किसने वर्ल्ड गेम्स एथलीट ऑफ द ईयर का खिताब जीता? तो देखिए, ये जो जीते हैं वो श्री जेस हैं। कौन है? श्री जेस वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर जीते हैं। जस्टिन लैंगर ने हाल ही में क्रिकेट टीम के मुख्य कोच के पद में इस्तीफा दे दिया। वे किस देश के क्रिकेट कोच थे? तो देखिए, जस्टिन लैंगर ये ऑस्ट्रेलिया के थे, क्या थे, और एसले जाइल्स इंग्लैंड के हैं और जस्टिन लैंगर ऑस्ट्रेलिया के हैं।
और इन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराकर भारत ने कितनी बार खिताब जीता था? तो अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंग्लैंड को हराकर भारत ने पांच बार खिताब जीता। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने किस टीम को हराकर पांचवी बार खिताब अपने नाम किया? इंग्लैंड को हराकर किया था। नेशनल मोटरसाइकिल रेसिंग चैंपियनशिप में प्रीमियर प्रो स्टॉक 301 से 400 सीसी श्रेणी में खिताब रजनी कृष्णन कौन सा खिताब अपने नाम किया है? तो 10वां। भारत के किस स्टार फुटबॉलर ने इंडियन सुपर लीग इतिहास में सर्वाधिक गोल करने के मामले में संयुक्त रूप से शीर्ष पर काबिज हो गए? तो ये हैं सेनेगल, किन्हें कौन है सेनेगल ने की हुआ है। नेक्स्ट है फ्रेंड, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम भारत के किस शहर में बनने जा रहा है? तो देखिए, दुनिया का जो थर्ड सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम है वो जयपुर में बनेगा। भारत के कौन से स्कीयर ने शीतकालीन ओलंपिक के उद्घाटन समारोह के दौरान 4 सदस्यीय भारतीय दल की अगुवाई की है? तो ये मोहम्मद आरिफ खान है। कौन है? मोहम्मद आरिफ खान। किस देश ने एएएएफसी महिला एशियाई कप जीता है? तो ये चीन है। कौन है? चीन। क्रिकेटर सुरंगा लकमल किस देश के लिए खेलते हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की? श्रीलंका है। क्रिकेटर सुरंगा लकमल जो है ये श्रीलंका देश के लिए खेलते हैं और इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की है। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने अपने टीम का क्या नाम रखा है? तो गुजरात टाइटन्स है। आईपीएल की नई फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने जो टीम का क्या नाम रखा है? गुजरात टाइटन्स। किस वर्ष लॉस एंजल्स में आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक में सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे नए खेल को शामिल किया गया है? तो 2028 क्या होगा? 2028 वर्ष में लॉस एंजल्स में जो आयोजित किए जाने वाले ओलंपिक में जो होगा, ठीक है, 2028 में जो ओलंपिक होगा उसमें लॉस एंजल्स में होगा, जो उसमें सर्फिंग, क्लाइंबिंग और स्केटबोर्डिंग जैसे नया खेल को भी स्थापित भी किया जाएगा। कौन सी क्रिकेट टीम हाल ही में 1000 वनडे मैच खेलने वाली पहली टीम बन गई है? भारतीय क्रिकेट टीम 1000 वनडे मैच खेलने वाली टीम बन चुकी है। भारत की किस टेनिस सुपरस्टार ने खेल से संन्यास लेने की घोषणा कर दिया है? सानिया मिर्जा ने भारत के टेनिस खेल से संन्यास लेने का घोषणा कर दिया है। तो फ्रेंड्स, ये था इम्पॉर्टेंट सारे करेंट अफेयर। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। प्लेलिस्ट पर आपको हर साल का वीडियो मंथली मिल जाएगा, तो एक बार आप जरूर प्लेलिस्ट पर जाएं। थैंक यू।